हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल मेसान स्टारडस में। और यूवर आज की इस वीडियो में हम सोहा अली खान का कंप्लीट बॉक्स ऑफिस करियर एनालाइज करने जा रहे हैं और साथ ही साथ उनके कंप्लीट करियर का सक्सेस रेशो भी आप व्यूवर्स के साथ शेयर करेंगे। और हमारे ये आज का वीडियो भी हमारे चैनल के चंद व्यूवर्स की फरमाइश पर बनाया जा रहा है। व्यूवर, बात करें सोहा अली खान की तो वो 60s और 70s की फेमस एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर की बेटी हैं और बॉलीवुड के सुपरस्टार एक्टर सैफ अली खान उनके बड़े भाई हैं। सोहा अली खान ने अपने फिल्मी करियर का आगाज 2004 में रिलीज होने वाली बंगाली लैंग्वेज की मूवी अति श्री कानता से किया और बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी उनकी डेब्यू मूवी 2004 में रिलीज हुई थी दिल मांगे मोर। तो आज की इस वीडियो में हम सोहा अली खान का कंप्लीट बॉक्स ऑफिस करियर एनालाइज विद सक्सेस रेशो आप व्यूअर के साथ शेयर करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि हमारी आज की कोशिश भी आप व्यूअर्स को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स ही हमारी असल लर्निंग है। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं हम अपना आज का ये वीडियो। तो व्यूअर, सोहा अली खान की एज एन एक्ट्रेस डेब्यू मूवी का नाम है अति श्री कानता। ये एक बंगाली लैंग्वेज की मूवी थी जिसे डायरेक्ट किया था अनजान दास ने। फिल्म की लीड कास्ट में आदिल हुसैन, सोहा अली खान और रीमा सिंह शामिल थे और ये फिल्म 2 जून 2004 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर ये एक हिट फिल्म साबित हुई। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के लिए सोहा अली खान की डेब्यू मूवी का नाम है दिल मांगे मोर। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था आनंद महादेवन ने। फिल्म की लीड कास्ट में शाहिद कपूर, सोहा अली खान, आशा टाकिया शामिल थे और ये फिल्म 31 दिसंबर 2004 को रिलीज हुई थी। फिल्म का बजट था 7 करोड़ और इसने इंडिया में 5 करोड़ 44 लाख के कलेक्शन की और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन थे 8 करोड़ 19 लाख और बॉक्स ऑफिस पर दिल मांगे मोर एक फ्लॉप फिल्म करार दी गई। रितु पूर्णा घोष की डायरेक्शन में बनने वाली बंगाली लैंग्वेज की मूवी अंतरा महल। फिल्म की लीड कास्ट में सोहा अली खान, अभिषेक बच्चन और जैकी श्रॉफ शामिल थे और ये फिल्म 28 अक्टूबर 2005 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर अंतर महल एक हिट फिल्म करार दी गई थी। रीडे शेट्टी की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी प्यार में ट्विस्ट। फिल्म की लीड कास्ट में ऋषि कपूर, डिमल कपाड़िया और सोहा अली खान शामिल थे और ये फिल्म 2 सितंबर 2005 को रिलीज हुई थी। फिल्म का बजट था 3 करोड़ 75 लाख और इसने इंडिया में जस्ट 92 लाख के कलेक्शन किए और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन थे 1 करोड़ 32 लाख और बॉक्स ऑफिस पर प्यार में ट्विस्ट एक फ्लॉप फिल्म करार दी गई थी। डेविड धवन की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी शादी नंबर 1। फिल्म की लीड कास्ट में संजय दत्त, फरदीन खान, जैद खान, शर्मन जोशी, आशा टाकिया, सोहा अली खान और ईशा देओल शामिल थे और यह फिल्म 3 नवंबर 2005 को रिलीज हुई थी। फिल्म का बजट था 15 करोड़ और इसने इंडिया में 11 करोड़ 49 लाख के कलेक्शन किए और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन थे 20 करोड़ 15 लाख और बॉक्स ऑफिस पर शादी नंबर 1 एक फ्लॉप फिल्म करार दी गई थी। राकेश ओम प्रकाश की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी रंग दे बसंती। फिल्म की लीड कास्ट में आमिर खान, सिद्धार्थ, अतुल कुलकर्णी, कुणाल कपूर, शर्मन जोशी और सोहा अली खान शामिल थे और ये फिल्म 27 जनवरी 2006 को रिलीज हुई थी। फिल्म का बजट था 28 करोड़ और उसने इंडिया में 53 करोड़ 8 लाख के कलेक्शन किए और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन थे 96 करोड़ 47 लाख और बॉक्स ऑफिस पर रंग दे बसंती एक हिट फिल्म करार दी गई। शिवम नायर की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी आहिस्ता आहिस्ता। अभय देओल, सोहा अली खान स्टारर ये फिल्म 18 अगस्त 2006 को रिलीज हुई थी। फिल्म का बजट था 4 करोड़ और इसने इंडिया में 1 करोड़ 65 लाख के कलेक्शन किए और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन थे 2 करोड़ 31 लाख और बॉक्स ऑफिस पर आहिस्ता आहिस्ता एक डिजास्टर मूवी करार दी गई थी। सुधीर मिश्रा की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी खोया खोया चांद। फिल्म की लीड कास्ट में शाइनी आहूजा, सोहा अली खान, रजत कपूर शामिल थे और ये फिल्म 7 दिसंबर 2007 को रिलीज हुई थी। फिल्म का बजट था 5 करोड़ 50 लाख और इसने इंडिया में 2 करोड़ 8 लाख के कलेक्शन किए और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन थे 2 करोड़ 94 लाख और बॉक्स ऑफिस पर खोया खोया चांद एक डिजास्टर मूवी करार दी गई। निशिकांत कामत की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी मुंबई मेरी जान। फिल्म की लीड कास्ट में आर माधवन, सोहा अली खान, के मेनन शामिल थे और ये फिल्म 22 अगस्त 2008 को रिलीज हुई थी। फिल्म का बजट था 3 करोड़ 50 लाख और इसके इंडिया में कलेक्शन में 3 करोड़ 54 लाख और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन थे 5 करोड़ 4 लाख और बॉक्स ऑफिस पर मुंबई मेरी जान एक फ्लॉप फिल्म करार दी गई थी। अनिल शर्मा की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी दिल कबड्डी। फिल्म की लीड कास्ट में इरफान खान, राहुल बोस, राहुल खन्ना, कोंकण सिंह शर्मा और सोहा अली खान शामिल थे और ये फिल्म 5 दिसंबर 2008 को रिलीज हुई थी। फिल्म का बजट था 10 करोड़ और इसने इंडिया में 3 करोड़ 84 लाख के कलेक्शन किए और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन थे 5 करोड़ 27 लाख और बॉक्स ऑफिस पर दिल कबड्डी एक फ्लॉप फिल्म करार दी गई थी। उमेश शुक्ला की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी ढूंढते रह जाओगे। फिल्म की लीड कास्ट में कुणाल खेमो, सोहा अली खान, सोनू सूद और पारेश रावल शामिल थे और ये फिल्म 6 मार्च 2009 को रिलीज हुई थी। फिल्म का बजट था 10 करोड़ और इसने इंडिया में 6 करोड़ 30 लाख के कलेक्शन किए और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन थे 8 करोड़ 42 लाख और बॉक्स ऑफिस पर ढूंढते रह जाओगे एक फ्लॉप फिल्म करार दी गई।
राज एंड डीके की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी 99। फिल्म की लीड कास्ट में कुणाल खेमो, सोहा अली खान, बोमन ईरानी शामिल थे और ये फिल्म 15 अप्रैल 2009 को रिलीज हुई थी। फिल्म का बजट था 9 करोड़, उसने इंडिया में 10 करोड़ 78 लैक्स के कलेक्शन की और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन थे 14 करोड़ 76 लैक्स और बॉक्स ऑफिस पर 99 एक एवरेज मूवी करार दी गई। संगीता दत्ता की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी लाइफ गोज ऑन। फिल्म की लीड कास्ट में गिरीश कंदर, शर्मिला टैगोर, ओम पुरी और सोहा अली खान शामिल थे और ये फिल्म 30 अक्टूबर 2009 को मुंबई फिल्म फेस्टिवल में पेश की गई थी, लेकिन बाद में इस फिल्म को थिएटर पर भी रिलीज किया गया लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह अच्छा कलेक्शन न कर सकी और एक डिजास्टर मूवी करार दी गई। कुणाल देशमुख की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी तुम मिले। फिल्म की लीड कास्ट में इमरान हाशमी, सोहा अली खान और सजिन केटकर शामिल थे और यह फिल्म 13 नवंबर 2009 को रिलीज हुई थी। फिल्म का बजट था 22 करोड़ और उसने इंडिया में 9 करोड़ 28 लैक्स के कलेक्शन की और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन थे 12 करोड़ 87 लैक्स और बॉक्स ऑफिस पर तुम मिले एक डिजास्टर मूवी करार दी गई। सुधीर मिश्रा की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी तेरा क्या होगा जॉनी। फिल्म की लीड कास्ट में करण नाथ, सोहा अली खान और नील नितिन मुकेश शामिल थे और ये फिल्म 28 दिसंबर 2008 को दुबई फिल्म फेस्टिवल में पेश की गई थी। बाद में इस फिल्म को थिएटर्स पर भी रिलीज किया जाना था लेकिन इसकी कॉपी नेट पर कुछ सीन इसके लीक हो गए। बाद में इस फिल्म को 13 दिसंबर 2010 को थिएटर्स पर रिलीज भी किया गया। फिल्म का बजट था 10 करोड़, लेकिन ये फिल्म इतनी जल्दी सिनेमा से उतार दी गई कि इसके कलेक्शन का अंदाजा ही नहीं लगा पाए और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को डिजास्टर का टैग दिया गया। नीरव घोष की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी साउंडट्रैक। फिल्म की लीड कास्ट में राजीव खांडेलवाल और सोहा अली खान शामिल थे और ये फिल्म 7 अक्टूबर 2011 को रिलीज हुई थी। फिल्म का बजट था 5 करोड़ 50 लैक्स और इसने इंडिया में जस्ट 62 लैक्स के कलेक्शन की और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुए 85 लैक्स और बॉक्स ऑफिस पर साउंडट्रैक एक डिजास्टर मूवी करार दी गई। दीपा मेहता की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी मिडनाइट चिल्ड्रन। फिल्म की लीड कास्ट में श्रिया शारान, सत्या भाभा, शबाना आजमी, अनुपम खेर और सोहा अली खान शामिल थे और ये फिल्म 9 सितंबर 2012 को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पेश की गई थी। इस फिल्म को थिएटर्स पर रिलीज नहीं किया गया बल्कि ऑनलाइन इस फिल्म की स्ट्रीमिंग की गई थी बाद में। राजश्री आहूजा की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी चौराहे। फिल्म की लीड कास्ट में विक्टर बेनर्जी, सोहा अली खान, जीनत अमान और रूबा गंगोली शामिल थे और यह फिल्म 16 मार्च 2012 को रिलीज हुई थी। फिल्म का बजट था 2 करोड़ और इसने इंडिया में जस्ट 2 लैक्स के कलेक्शन की और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन थे 3 लैक्स और बॉक्स ऑफिस पर चौराहे एक डिजास्टर मूवी करार दी गई। तगमंशु डोलिया की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी साहिब, बीवी और गैंगस्टर रिटर्न। फिल्म की लीड कास्ट में जिमी शेरगिल, माही गिल, इरफान खान, सोहा अली खान शामिल थे और ये फिल्म 8 मार्च 2013 को रिलीज हुई थी। फिल्म का बजट था 19 करोड़ उसने इंडिया में 21 करोड़ 27 लैक्स के कलेक्शन की और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन थे 28 करोड़ 80 लैक्स और बॉक्स ऑफिस पर साहिब, बीवी और गैंगस्टर रिटर्न एक बिलो एवरेज मूवी करार दी गई। मई 2013 को रिलीज होने वाली मूवी गो गोवा गोन में सोहा अली खान ने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। फराज हैदर की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी वार छोड़ना यार। फिल्म की लीड कास्ट में शर्मन जोशी, सोहा अली खान, जावेद जाफरी शामिल थे और यह फिल्म 11 अक्टूबर 2013 को रिलीज हुई थी। फिल्म का बजट था 17 करोड़ और उसने इंडिया में 6 करोड़ 75 लैक्स के कलेक्शन की और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन थे 8 करोड़ 69 लैक्स और बॉक्स ऑफिस पर वार छोड़ना यार एक डिजास्टर मूवी करार दी गई। समीर तिवारी की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी मिस्टर जो बी करवाहलो। फिल्म की लीड कास्ट में अर्शद वारसी, सोहा अली खान, जावेद जाफरी शामिल थे और यह फिल्म 3 जनवरी 2014 को रिलीज हुई थी। फिल्म का बजट था 17 करोड़ और इसने इंडिया में 3 करोड़ 8 लैक्स के कलेक्शन की और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुए 3 करोड़ 83 लैक्स और बॉक्स ऑफिस पर मिस्टर जो बी करवाहलो एक डिजास्टर मूवी करार दी गई थी। मनीष हरिशंकर की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी चार फुटिया छोकरे। फिल्म की लीड कास्ट में सोहा अली खान, हर्ष मयार, सीमा बिस्वार और मुकेश तिवारी शामिल थे और यह फिल्म 26 सितंबर 2014 को रिलीज हुई थी। फिल्म का बजट था 3 करोड़ 50 लैक्स और इसने इंडिया में जस्ट 11 लैक्स के कलेक्शन की और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुए 15 लैक्स और बॉक्स ऑफिस पर चार फुटिया छोकरे एक डिजास्टर मूवी करार दी गई। और व्यूवर सनी देओल की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी घायल वंस अगेन। फिल्म की लीड कास्ट में सनी देओल, ओम पुरी, सोहा अली खान और नेहा खान शामिल थे और ये फिल्म 5 फरवरी 2016 को रिलीज हुई थी। फिल्म का बजट था 50 करोड़ और उसने इंडिया में 35 करोड़ 70 लैक्स के कलेक्शन की और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन थे 45 करोड़ 35 लैक्स और बॉक्स ऑफिस पर घायल वंस अगेन एक फ्लॉप फिल्म करार दी गई थी।
शिवाजी लोधन पाटिल की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी 31 अक्टूबर। फिल्म की लीड कास्ट में वीर दास, सोहाली खान शामिल थे और ये फिल्म 21 अक्टूबर 2016 को रिलीज हुई थी। और इस फिल्म का बजट तो मालूम नहीं हो पाया है, लेकिन इस फिल्म ने इंडिया में जस्ट 99 लाख की कलेक्शन की और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुए 1 करोड़ 38 लाख और बॉक्स ऑफिस पर 31 अक्टूबर एक फ्लॉप फिल्म करार दी गई। और व्यूअर तगमंशु डोलिया की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी साहिब, बीवी और गैंगस्टर 3। फिल्म की लीड कास्ट में संजय दत्त, जिमी शेरगिल, माही गिल और सोहाली खान शामिल थे और ये फिल्म 27 जुलाई 2018 को रिलीज हुई थी। फिल्म का बजट था 28 करोड़, उसने इंडिया में 7 करोड़ 35 लाख के कलेक्शन की और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुए 10 करोड़ 19 लाख और बॉक्स ऑफिस पर साहिब, बीवी और गैंगस्टर 3 एक डिजास्टर मूवी करार दी गई और यही एज एन एक्ट्रेस सोहाली खान की अब तक की रिलीज होने वाली आखिरी मूवी भी साबित हुई है। और व्यूअर सोहाली खान के कंप्लीट करियर का सक्सेस रेशो निकाले तो सोहा अली खान अपने कंप्लीट करियर में 26 मूवीज़ का हिस्सा रही हैं, उनमें से 3 मूवीज़ हिट, 1 एवरेज और 1 बिलो एवरेज करार दी गई है। और उनके करियर में 8 मूवीज़ फ्लॉप और 11 डिजास्टर रही हैं। एक मूवी में सोहाली खान ने स्पेशल अपीयरेंस दी और उनकी एक मूवी की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की गई है। तो इस हिसाब से सोहाली खान के कंप्लीट करियर का सक्सेस रेशो बनता है 20.83%। तो फ्रेंड, जाते जाते एक बार फिर आपसे कहता चलूं कि हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने हमारे चैनल मेहसान स्टारडस्ट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही साथ इस बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। हमारा आज का वीडियो देखने का आप तमाम व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया।